आज का वीडियो जो है फ्रेंड्स वो ऑन रिक्वेस्ट है। मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो मैंने देखा बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि पिगमेंटेशन के लिए या हाइपर पिगमेंटेशन के लिए कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है। मैं वो प्रोडक्ट्स रिव्यू करने जा रही हूँ जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, क्लिनिकली प्रूव्ड हैं, इनफैक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही बनाए भी हैं, जेंटल हैं काफ़ी, हर तरह की स्किन टाइप के लिए हैं। तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगी, उसके बाद यूज़ करके भी दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि कब कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहें कि किस तरह से ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और इनके बारे में और, तो मैं वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम टू लताज इंस्पायरिंग लाइफ, जहाँ आपको मिलेगी इंस्पिरेशन और नॉलेज रिगार्डिंग फैशन, फूड, फिटनेस एंड लाइफ। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अनदर सेट ऑफ वीडियोस के लिए। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि पिगमेंटेशन होती क्यों है आखिर। पिगमेंटेशन जो हमारी स्किन में मेलेनिन होता है ना, जो कलर देने वाला सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन में कलर आता है, जब वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस जगह पे ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाती है, या फिर उसे हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं लोग। ओके, तो कैसे बचा जाए? डेफिनेटली एक अच्छी स्किन केयर रूटीन चाहिए पिगमेंटेशन से बचने के लिए, साथ में हेल्दी खाना तो चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम बाहर धूप में जाते हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, उससे पिगमेंटेशन हो जाती है। प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, उससे पिगमेंटेशन हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं पिगमेंटेशन में, उससे हो जाती है। जब हम यंग होते हैं तब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे पिगमेंटेशन हो जाती है। और जब हम 40s में आते हैं तो भी हमारे हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं, जिससे अगेन हमें पिगमेंटेशन हो जाती है। बाकी एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन और हेल्दी खाने का जो रूटीन है वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर हमें जो है वो पिगमेंटेशन फ्री स्किन चाहिए तो। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। तो स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप ये है फ्रेंड्स कि हमें दिन में 2 बार कम से कम जो है अपना फेस वॉश करना चाहिए किसी माइल्ड फेस वॉश से। अब फेस वॉश करने के बाद ये क्वेश्चन है कि सबसे पहली ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अपने फेस पे लगानी चाहिए। तो टोनर वो ऐसी चीज़ है जो लगानी चाहिए, जो कि हम लोग अक्सर बाईपास कर जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, नहीं लगाते हैं, लेकिन ज़रूर लगाना चाहिए। टोनर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स। अच्छा, तो इस टाइम मैं लगाने जा रही हूँ डर्मा टच का पोर टाइटनिंग टोनर, जो कि बिल्कुल अल्कोहल फ्री है। तो फ्रेंड्स, ये जो टोनर है ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप लगा सकते हैं, ड्राई है तो लगा सकते हैं, ऑयली है तो लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन है तो भी लगा सकते हैं। बस कॉटन पैड पे लीजिए टोनर को हल्का सा और अच्छे से जो है अपनी स्किन को वाइप कर दीजिए। अच्छा, इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, इस बार मैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी बता रही हूँ और वो क्या करते हैं ये भी बता रही हूँ, कि ये सब टर्म्स आपने अक्सर सुनी होंगी जब आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं। तो इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड एंड एनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड। अब ये क्या काम करते हैं? जैसा कि इस टोनर का नाम सजेस्ट कर रहा है फ्रेंड्स, पोर टाइटनिंग टोनर, तो डेफिनेटली ये पोर्स को टाइट करता है। उसके साथ ही अगर हमारे लार्ज ओपन पोर्स हों उन्हें बंद कर देता है, जितना भी ऑयल वगैरह हमारे पोर्स में रह जाता है उन्हें एकदम निकाल के बिल्कुल क्लीन कर देता है स्किन को, डेड सेल्स को रिमूव करता है ताकि हमें एक इवन स्किन टोन मिल सके, और उसके साथ जो है वो एक्सफोलिएट भी करता है ताकि हमारे यंग सेल्स जो है वो नजर आए। एंड नॉट टू फॉरगेट, ये टोनर मेन एंड वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और मुझसे बहुत पूछा जाता है कि हमें सीरम्स या कोई क्रीम्स अगर पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगा रहे हैं तो कब लगानी चाहिए। तो आइडियली दोनों टाइम लगानी चाहिए। सुबह जब लगाएंगे, आपने टोनर से अच्छे से स्किन को क्लीन कर लिया, उसके बाद आप वो क्रीम लगाइए और बाद में सनस्क्रीन जरूर लगाइए। और रात में भी जो है आपको सेम प्रोसेस करना है, लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगानी है। तो ये है फ्रेंड्स डर्मा टच की बाय बाय पिगमेंटेशन क्रीम, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सीरम का काम भी करती है। अच्छा, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या करती है। ये हाइपर पिगमेंटेशन को जो है ट्रीट करती है, उसके साथ ही अगर हमारी पैची स्किन है, ब्लॉटिनेस है, उन्हें रिड्यूस कर देती है काफ़ी, और हमारी स्किन को जो है वो सन डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, इसके की इन्ग्रीडियंट्स हैं लाइम पर्ल एंड नायसिनमाइड। ये जो क्रीम है ये हमारे जो एज स्पॉट्स आने लगते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते होंगे
भी हल्के हल्के मेरे भी आ गए हैं उन्हें भी काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस कर देती है, और उसके साथ ही जो है हमारी स्किन को ब्राइट करती है, स्मूथ क्लियर करती है, हेल्दी करती है, फर्म रखती है स्किन को। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये काम करते हैं। तो अच्छे से जो है इसे लिबरली आप पूरे फेस पे लगा सकते हैं, लेकिन किसी जगह पे अगर आपको लगे कि यहाँ पिगमेंटेशन ज़्यादा है, जैसे मेरे यहाँ पे है थोड़ी हाइपर पिगमेंटेशन, तो उन स्पॉट्स पे जो है आप थोड़ा एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मॉइस्चराइजर है डर्मा टच का, इसमें है हाइड्रोसेला एंड विटामिन ई। तो चलिए अब देखते हैं ये हमारे फेस के लिए क्या करता है। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपने बाय बाय पिगमेंटेशन क्रीम मंगाई है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये वाली मंगवाना चाहते हैं या नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह पे इक्वली गुड है। मैं कई सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाती रहती हूँ, नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चूज करते हैं अपनी स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई का तो नाम हम सब ने सुना ही है, हम सब जानते हैं कि डीप मॉइस्चराइजेशन देती है, और उसके साथ साथ हमारा जो वाटर होता है ना स्किन में, मतलब जो हाइड्रेशन होती है हमारी स्किन की, उसे मेंटेन रखती है। मतलब जो वाटर लॉस होता है जिसकी वजह से जो है हमारी हाइड्रेशन ख़त्म हो जाती है और हमारी स्किन ड्राई ड्राई लगने लगती है, ये मॉइस्चराइज़र उसे जो है डीप रूट से हील करता है, ट्रीट कर देता है। तो एक तरीके का बैरियर सा बन जाता है ताकि हमारी स्किन में जो मॉइस्चराइज़र है वो लूज़ ना हो, हाइड्रेशन लूज़ ना हो और काफ़ी हेल्दी लगे स्किन। एंड एंटी ऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स के, और जो हमारे सेल्स हैं उनको डैमेज से बचाता है और स्किन को एकदम स्मूथ एंड सफल कर देता है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अभी एक और प्रोडक्ट बचा है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिव्यू करने जा रही हूँ, जो हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और ट्रीट करता है। उसके पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि अगर आप जो है अपनी स्किन को बचाए रखना चाहते हैं रिंकल से, पैचनेस से, बहुत सारी चीज़ों से, तो सनस्क्रीन एक बहुत बहुत अच्छा इलाज है। प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, हर एक एज ग्रुप को रिकमेंड करती हूँ कि सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, बहुत डिफरेंस आएगा आपकी स्किन में। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया लगानी तो, और लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके रिंकल्स वगैरह, पैचिनेस, ब्लॉचिनेस सब काफ़ी हद तक दूर रहेगी। तो ये अगेन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, पिगमेंटेशन हटाने के लिए, टैन हटाने के लिए। बाय बाय पिगमेंटेशन जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब डर्मा टच का ही है। ओके, तो इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कैफीन, पर्ल और शेयर बटर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, गीला कर लिया है पानी से, मतलब बस थोड़ा सा ये स्क्रब लेंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है, और बस हल्के हाथों से इसे अपने पूरे फेस के ऊपर मसाज करेंगे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है कमेंट्स में फ्रेंड्स, कि फेस स्क्रब जो है हमें हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए। तो ये जो फेस स्क्रब है, क्योंकि ये जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब है, ये आप आराम से हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। ये हमारी डेड सेल्स को रिमूव कर देता है एक्सफोलिएट करके, उसके साथ ही पिगमेंटेशन तो हटाता ही है, एज द नेम सजेस्ट, टैन हटा देता है पूरा, स्किन को हमारी बहुत इवन टोन देता है, नरिश करता है। और कई जो स्क्रब्स होते हैं ना काफ़ी हार्ड होते हैं, मतलब स्किन खिंची खिंची भी लगती है उनके बाद, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नरिश करता है, डीपली हाइड्रेट कर देता है इनफैक्ट हमारी स्किन को। सो दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर रिमूवल ऑफ सनटैन एंड पिगमेंटेशन। सो माय स्किन इज डिटॉक्सिफाइड एंड एब्सोल्युटली प्योर नाउ। फ्रेंड्स, आप इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक चीज़ और कहूँ, एक्सेप्ट द वे यू आर, जस्ट लव योरसेल्फ द वे यू आर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।